सारा देश इस टाइम सीए, एनआरसी, एनपीआर, इसने ये कहा, उसने ये कहा, नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, क्यों? इससे किसका फायदा हो रहा है? इससे देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी तो ये समझ के बाहर है। एक ये मैं टीवी डिबेट्स में भी देखता हूं, और कई बार कई लोग ये कह रहे हैं, भाई अभी तो एनआरसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया, एनआरसी तो होने ही नहीं वाला। अध्यक्ष महोदय, 20 जून 2019 को राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने दोनों सदनों को जो जॉइंट एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, उन्हीं के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी सरकार ने यह तय किया है कि एनआरसी को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति तो इस देश के सर्वोच्च अथॉरिटी हैं। अगर राष्ट्रपति ने कहा है कि एनआरसी को लागू किया जाएगा, तो एनआरसी को लागू किया जाएगा। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने 10 दिसंबर को संसद के अंदर स्टेटमेंट दिया था, हम इस पर, उन्हीं के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, 10 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था, हम इस पर बिल्कुल साफ हैं कि एनआरसी तो इस देश में होकर रहेगा। राष्ट्रपति जी ने कह दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, तो फिर बचा क्या? अब ये कह रहे हैं भाई सीए अलग है, एनपीआर अलग है, एनआरसी अलग है। आपके कहने से तो नहीं होगा ना। अभी डिप्टी सीएम साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कानून के अंदर किस तरह से ये सारे कानून एक दूसरे से इनका रिश्ता है। एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था, तब तो कोई अफरा तफरी नहीं बची। एनपीआर तो इन्हीं की सरकार ने 2015 में आने के बाद भी किया था, तब तो अफरा तफरी नहीं बची। अब अफरा तफरी क्यों मच रही है? अब अफरा तफरी इसलिए मच रही है क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने खुद समझाया है, और उन्हीं के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, ये उनके शब्द हैं, पहले सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा, और फिर एनआरसी आएगा। उन्होंने खुद कहा है माननीय गृह मंत्री जी ने कि तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। हम नहीं कह रहे, मैं आज एक एक शब्द वो बोलूंगा जो केंद्र सरकार की किसी ना किसी अथॉरिटी ने कही या कानून में लिखी हुई है। अब लोगों के अंदर चिंता इसलिए है कि इस पिछले 5 साल के दौरान लोगों ने आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में क्या हुआ, आसाम में एनआरसी हुआ, आसाम में एनआरसी होने के बाद 19 लाख लोगों को सिटीजन नहीं है ये घोषित कर दिया गया, और उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, उनको जेल में भेज दिया गया, और उन जेल में उन लोगों का क्या हाल हुआ ये सारे देश ने देखा। इसलिए अब देश के अंदर इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं मेरा नाम भी तो एनआरसी में से गायब नहीं हो जाएगा, कहीं मैं भी तो डिटेंशन सेंटर में नहीं चला जाऊंगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई अफसर आपके घर आएगा, आपको कहा जाएगा, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए, आप अपने कागज दिखाइए। अगर आप अपने कागज दिखा दोगे तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप नागरिक हो गए। और अगर आप कागज नहीं दिखा पाओगे, तो अगर आप मुसलमान हो तो आप सीधे डिटेंशन सेंटर में जाओगे, और अगर आप हिंदू हो तो आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान से आए हो, अगर आप कहोगे हाँ पाकिस्तान से आया हूं तो आपके सारे कागज बना देंगे, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू हूं, तो कहेंगे आपके कागज नहीं बनाएंगे, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। बताओ भारत के हिंदुओं ने क्या कसूर कर दिया जी? भारत में पैदा हुए हिंदू, ये कानून मैं जितना पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आता कि ये कानून पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए है और हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा, और अधिकतर के पास कागज नहीं होगा, 90% से ज्यादा
लोगों के पास कागज नहीं होगा, उनको कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो। हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती कहलवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तानी? हम नहीं बोल सकते, हम देशभक्त हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसी सरकार है, ये कैसी आजाद भारत, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी, बोलो तुम पाकिस्तानी हो नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। जो जो बोल देगा मैं पाकिस्तानी हूं उसको नागरिकता दे दी जाएगी, जो कहेगा ना मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन मेरे पास कागज नहीं है उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। ये कैसा कानून है? एक गलत फहमी फैली हुई है बहुत लोगों में, जब बात करता हूं लोग कहते हैं ना जी वो हिंदुस्तानियों को तो, हिंदुओं को तो नागरिकता मिल जाएगी। मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट इस बारे में, 17 दिसंबर को माननीय गृहमंत्री जी ने आज तक को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, NRC में धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस देश में जो कोई भी NRC के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा। तो NRC सिर्फ मुस्लिम के लिए है यह कहना ठीक नहीं है, ये गृहमंत्री जी कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ। तो जो जो हिंदू इस गलत फहमी में हैं कि उन लोगों को इसके अंदर सिटीजन, अगर उनके पास कागज नहीं हुए तो उनको नागरिक मिल जाएगी, उनको जिन जिन हिंदुओं के पास कागज नहीं है अगर वो एफिडेविट पे ये लिख के देंगे कि मैं पाकिस्तानी हूं तभी नागरिकता मिलेगी, जो ये नहीं लिख के देंगे मैं एफिडेविट नहीं देंगे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं उनको नागरिकता नहीं मिलने वाली। एक मिनट, ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कल मैंने माननीय गृहमंत्री जी का बयान सुना पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में उन्होंने साफ कर दिया NPR के तहत जो NPR की एक्सरसाइज शुरू हो रही है 1 अप्रैल से उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि NRC में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, NPR में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे बाद में NRC होगा। तो कई लोग ये कह रहे जी NRC का ड्राफ्ट तो आ जाने दो, भाई साहब जब चिड़िया चुग गई खेत, वो क्या कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अभी NPR हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर तो NRC होके रहेगा, NRC तो होना ही है। राष्ट्रपति जी ने कह दिया NRC होगा, गृहमंत्री ने कह दिया NRC होगा, NRC तो होगा ही होगा, और NRC कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं बची है। तो डॉक्यूमेंट्स तो कल का उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा NRC में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। NRC में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और NRC में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये भी गृहमंत्री जी का स्टेटमेंट है। 17 दिसंबर को अमित शाह जी ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया था, टाइम्स नाउ की इंटरव्यू करने वाली ने पूछा उनसे क्या आधार कार्ड माना जाएगा, क्या वोटर कार्ड माना जाएगा, उन्होंने कहा आधार वोटर कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती है जी, आधार का अलग पर्पज होता है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से माने जाएंगे वो अभी डिप्टी CM साहब ने बता दिया, केवल और केवल एक ही डॉक्यूमेंट माना जाएगा, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा। सर स्कूल वाला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था वो नहीं चलेगा, म्युनिसिपैलिटी का चलेगा या पंचायत का चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा, मेरे पास भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए। मैंने आज सवेरे अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी के पास भी नहीं है, मेरे माँ बाप के पास भी नहीं है, हमारे घर में 6 आदमी हैं, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चे, बच्चों के हैं, बच्चे दिल्ली में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा हुए थे, म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट है उनका,
बाकी चारों के पास नहीं है हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सतेंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है? गौतम जी आपके पास है? इमरान खान है? कैलाश जी? पूरी कैबिनेट के पास नहीं है? पूरी कैबिनेट? क्या पूरी दिल्ली की कैबिनेट डिटेंशन सेंटर में जाएगी? आपसे पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, आपके पास अगर? मेरे पास भी नहीं। उनके पास भी? वाजपेयी जी के पास है कह रहे हैं। पूरे मेरे हमारे इतने विधायक हैं, जिसके पास है, एक मिनट, ईमानदारी से, कल मैं राघव से पूछा था, इसके पास है बता रहा था, किसी जिसके पास है विपक्ष समेत, जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, जरा हाथ खड़ा कर दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, है, दस। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चल रहा, वो नहीं माना जाएगा, वो नहीं चलेगा, तो वो नहीं चलेगा भाई साहब। 70 लोगों की विधानसभा में 61 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। केवल 9 लोगों के पास वो जन्म प्रमाण पत्र है। अब मैं इनमें से पूछना चाहता, एक मिनट, इनमें से पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपके पास कागज नहीं होगा, आप में से कितने लोग एफिडेविट देने को तैयार है कि आप पाकिस्तान से आए हो? अध्यक्ष महोदय, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं होगी। ये जो कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तानी हो तभी आपको नागरिकता देंगे, अध्यक्ष महोदय पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में बिता देंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे किसी भी हालत। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, मेरे देश का एक एक नागरिक, हमारे देश का, भारत का एक एक नागरिक कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगा कोई भी। और अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूं, यूनियन कैबिनेट में पूछ लो कितनों के पास है, पार्लियामेंट वालों से पूछ लो कितनों के पास है। अभी एक और मुख्यमंत्री केसीआर थे शायद, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा, बोले मेरे पास भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा 3-4 दिन पहले, बोले अब मैं आत्महत्या कर लूं क्या, मेरे को डिटेंशन सेंटर में भेजोगे क्या? देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं मिलने वाला ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये आसाम में जो NRC हुआ, बहुत ही दर्दनाक हुआ। मैं केवल 4 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं ये दिखाने के लिए। एक शख्स है दुलाल चंद्र पॉल, बंगाली हिंदू हैं, 65 साल के हैं। इनको 11 अक्टूबर 2017 को, असम के रहने वाले हैं, मूलतः असम के रहने वाले हैं, इनको, इनके पास कागज नहीं थे, और कागज ना होते हुए इनको 2 साल पहले डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। 11 अक्टूबर 2017 को इनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। 2 साल में इतनी बुरी हालत हुई इनकी डिटेंशन सेंटर में, अभी 13 अक्टूबर 2019 को इनकी मौत हो गई डिटेंशन सेंटर में। एक है छबिंद्र शर्मा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे एयरफोर्स में, 38 साल इन्होंने एयरफोर्स में सेवा की देश की। इनका पूरे के पूरे परिवार का लिस्ट से नाम बाहर है। 28 फरवरी 2018 को ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पे रिटायर हुए, और 30 जुलाई 2018 को जो लिस्ट निकली सिटीजन्स की, उस लिस्ट में इनका नाम नहीं था। इनके पूरे के पूरे परिवार का नाम लिस्ट से गायब था। सनाउल्ला खान, 32 साल तक इन्होंने आर्मी में काम किया, और इनके पूरे परिवार को
सनाउल्ला खान, उनकी पत्नी और तीन बच्चे, पांचों को विदेशी करार दे दिया गया। 32 साल सेना में काम करने के बाद इनके पूरे परिवार को विदेशी करार दे दिया गया और इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काम किया और रिटायरमेंट के बाद बॉर्डर पुलिस में काम कर रहे थे। बताओ कैसे साबित करें हम इस देश के नागरिक हैं। एक है नरेश कोच। नरेश कोच वहां पे एक कोच ट्राइब है आसाम के अंदर, मतलब ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बांग्लादेशी थे, वहां कोच ट्राइब के थे ये। इनका बेटा और इनका भाई, उनको सिटीजन लिस्ट में उनका नाम था, इनका नाम सिटीजन लिस्ट के अंदर नहीं था। इनकी भी मौत हो गई डिटेंशन सेंटर के अंदर। रतन चंद्र विश्वास दलित हिंदू हैं, इनका एक वीडियो आया था जिसमें डिटेंशन सेंटर के अंदर ये बेड से इनको बांध रखा है। छठी क्लास तक पढ़े हुए हैं। इनके पिताजी का नाम 1966 की वोटर लिस्ट में है, उसके बावजूद इनको नहीं माना, जैसे इन्होंने कहा वोटर लिस्ट नहीं मानी जाएगी। 1966 की वोटर लिस्ट में इनके पिताजी का नाम है लेकिन इनको नागरिक नहीं माना गया। इनके पिताजी के नाम पे जमीन है, दो साल पांच महीने से डिटेंशन सेंटर में है। तो 19 लाख लोगों को फर्जी तौर पे आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर में डाला हुआ है। 19 लाख लोगों को नागरिक नहीं है ऐसा करार दिया गया है, जिसमें 14 लाख हिंदू हैं, 5 लाख मुसलमान हैं। मैं सोच रहा था दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचली रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए 40 लाख लोग हैं। अब ये सारे लोग अपने गांव में जाके कागज बनवाने जाएंगे और कौन कागज बना के देगा? अब मैं अपने गांव में कागज बनवाने जाऊं कौन? पहले जमाने में कहां अस्पताल में, तो मैं भी घर में ही पैदा हुआ था, सब घर में पैदा होते थे, दाई आया करती थी उन दिनों में। तो अब वो कौन सर्टिफिकेट बना के देगा, कहां से सर्टिफिकेट लेके जाएं? 11 राज्यों ने, आज दिल्ली समेत 11 राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। 11 राज्य मतलब लगभग आधे भारतवर्ष ने कह दिया कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तो इन्हीं के अपने पार्टनर हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों इनके कभी हाँ कभी ना, कभी इनके पार्टनर होते हैं कभी नहीं होते। पंजाब में अकाली दल भी इनके पार्टनर हैं, बिहार भी इनके पार्टनर हैं, पुडुचेरी, आज दिल्ली भी इसमें शामिल हो रहा है। तो इन सब विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिए कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। तो मेरी भी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पूरे एनपीआर को और एनआरसी को विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए। तो माननीय मंत्री जी द्वारा जो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।